हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो का ये कंटिन्यू पार्ट है। एक ही वीडियो में बहुत बड़ा डेढ़ दो घंटा लग जाएगा। बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। फर्स्ट वीडियो में था हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड में सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व में तीन पार्ट है, लीनियर है, होमोजीनियस है और वेरिएबल सेपरेशन है। जब भी हम बुक से करते हैं, मान लीजिए वेरिएबल सेपरेशन का कर रहे हैं तो पहले से आपको मालूम है वेरिएबल सेपरेट होगा, लीनियर कर रहे हैं तो मालूम है लीनियर होगा और होमोजीनियस भी ऐसा। लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तब हम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा मेथड का है। तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा मेथड का है। पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ पूरी तरह से। अभी सीधा सीधी बोलता हूँ, क्वेश्चन मिला हमें, हम dy by dx लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए। अगर समझ में आया तो बिना लिखे तो dy by dx लिखता हूं। सर बेवकूफ टाइप का मास्टर हूं, कोई टेंशन मत करना। dy by dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इजीली समझोगे भाई, x और dx एक साथ नहीं आएगा, y dy क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही था, यहां सेपरेट नहीं हो रहा है। एक नंबर बात ध्यान देना, सेपरेट नहीं हो रहा है तब कंडीशन आता है कोई ग्रुप y by x को भी पकड़ो, x plus y को भी पकड़ो, ये पकड़ो वो पकड़ो जो भी हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड एक्सरसाइज दिया हम लोग के इस होमोजीनियस में, इस चैप्टर में या हमारे सिलेबस में। ये जो फ्रैक्शन है रेशनल फ्रैक्शन, उसमें x का पावर 2, y का पावर 2, इसका पावर 2, इसका पावर 2, 1 और 1 टू, यानी हर एक टर्म का अगर पावर 2 है देन इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का थोड़ा सा अगर रफली कॉन्सेप्ट देना चाहूं ये बात है, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही कॉमन होना पड़ेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स। मतलब हुआ एक फंक्शन इज होमोजीनियस if it can be expressed in the form of y by x, no other question। डिग्री में जाके थोड़ा अंतर भी पड़ेगा, थोड़ा अंतर ये कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री अलग हो सकता है। होमोजीनियस होने के लिए नेसेसरी पार्ट जो है वो न्यूमरेटर का सब डिग्री और डिनोमिनेटर का सब डिग्री इक्वल होना चाहिए। ओरिजिनल होमोजीनियस फंक्शन वो बात नहीं करूंगा, अभी बेकार पजल हो गए। तो ये होमोजीनियस है, हम 12 में होमोजीनियस समझेंगे इस तरह से। न्यूमरेटर में जितना टर्म है सबका डिग्री एक होना चाहिए, एक वन वन नहीं, सेम होना चाहिए, दो दो, डिनोमिनेटर में भी दो दो। बाई चांस अगर यहाँ एक से फिर लिखा रहे तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस किसे बोलते हैं? बोरिंग मत होना, होमोजीनियस किसे बोलते हैं? अगर हाईएस्ट पावर एक्स कॉमन लिया जाए तो बतरा कट गया, बचा वाई बाई एक्स में। वाई बाई एक्स में व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। इसीलिए होमोजीनियस इक्वेशन में ये सब तो बेसिक रूल बताया, आप इस तरह ध्यान रखोगे अरे भाई होमोजीनियस है, जल्दी से पुट कर वाई इक्वल टू बी एक्स, याद रखना। बी कॉन्स्टेंट नहीं है भैया, असली में रखे हम लोग y by x equals to b, तब cross multiply जाके b x हुआ, b constant नहीं है। हम लोग substitute कर रहे हैं y equal to b x, से differentiate करो, dy by dx equal to b रखा, x का 1 plus x रखा, b का dv by dx लिख दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, dv by dx, b plus x dv by dx equal to x square भैया x square plus y square माने b square x square, ये रहा x square plus x माने तो ही y माने bx, b plus x dv by dx equal to x square 1 plus b square x square 1 plus b, ये काट दिया x dv by dx equal to 1 plus b square 1 plus b minus b। टारगेट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस रूप को वेरिएबल सेपरेट कैसे करते हैं ये रूल दिया है। अब प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, रूल दिया है, अब सेपरेट हो जाना चाहिए। अगर सेपरेट हुआ तो आपका करेक्ट है,
इसके अलावा भी यहां से भी आप कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि करेक्ट कब है, जब एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बी के एलसीएम लेना बाकी है भैया। डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू जो सिंप्लीफाई हो सके कर लेते हैं वन माइनस वी बाई वन प्लस वी ठीक वन वी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन माइनस वी प्रोसीड करता हूं आगे। गाना भी सुन रहा है कि नहीं भाई, सरस्वती पूजा का गाना चल रहा है, चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं उधर गाना चलने दो ओके। तो सेपरेट तो नहीं किया अभी तक ना, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल वन माइनस बी वन प्लस बी वन प्लस बी नीचे चलिए वन प्लस बी जल्दी जल्दी पढ़ लो भाषण में जाना है। डी बी इक्वल टू डी बी का इक्वल टू का है भैया इक्वल टू का है बी तो इधर आया वन माइनस बी नीचे लाओ वन माइनस बी फाइन इक्वल टू ये डी एक्स ऊपर जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस सी देना वगैरह नहीं देना वगैरह देखा जाएगा बाद में। अभी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ वन माइनस बी है ऊपर में वन प्लस बी है तो भैया एकदम सिंपल तरीके से ऐसा लिख दो ना टू माइनस वन से वन माइनस माइनस प्लस बी ऑल राइट बस सस्ता में निकल गया डी एक्स बाई इक्वल टू दे दो डी एक्स बाई एक्स प्लस सी देना है दे देते हैं चलिए एक ही बार में कर दो क्या नहीं चलो भाई नहीं करता हूं एक ही बार में टू बाई वन माइनस बी डी बी माइनस ये तो बेटा गया काम से लिख देता हूं वन माइनस बी डी बी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस सी ये माइनस टू लॉग भी नेगेटिव के लिए माइनस माइनस भी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी क्या करोगे जैसा मर्जी करिए भाई ये लॉग या माइनस टू लॉग भी माने पकड़ा था हमने भी मैंने पकड़ा था यहाँ पे ये कितना था y बाई एक्स भी माने y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स इक्वल टू log x और क्या करूं प्लस सी कोई किसी से लिंक नहीं है रहने दो 2000 ये था आपका 2013-17 ओके देन 2016 में चलता ये ठीक है तो 1 प्लस बी 2 माइनस 1 1 माइनस बी एंसर सब मैच नहीं करेगा क्योंकि लॉग हटा के लॉग में एक्सप्रेशन नहीं रखते ई में रखता है ये सब कोई बात नहीं था 2017 की है 2016 कर रहा हूं सब सॉल्व है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स एकदम क्लियर लीनियर फैक्टर पी इक्वल टू वन क्यू इक्वल टू बी सॉरी वन आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू हो गया 1 dx मतलब e का पावर x देयर को बस दो लाइन में सॉल्यूशन इज y इनटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू if dx प्लस c y into if का मतलब हो गया x इक्वल टू क्यू क्यू था भी क्यू भी था x ये भी x नहीं e का पावर x ये x है खाली e का पावर x dx प्लस c खास बात इसका मतलब समझाने चाह यहाँ पे
e का पावर x इक्वल टू प्रोडक्ट रूल में आप x बाहर रखोगे e का पावर x dx माइनस d by dx सब बाहर वाला फंक्शन x इंटीग्रेशन जिसका हुआ था उसी का ये बंद dx ये y e का पावर x माइनस सॉरी माइनस x e का पावर x यहां तो माइनस माइनस है ही नहीं चलिए ये 1 ये dx खाली x और एक लाइन में देता हूं y e का पावर x इक्वल टू माइनस x e का पावर x माइनस e का पावर x प्लस c डिवाइड अगर कर दूं तो y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 प्लस c e का पावर माइनस x ये आंसर होना चाहिए इसका d by d x का देख लेते हैं यहां p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 1 i f इक्वल टू इंटू p dx dx सॉल्यूशन इज p y इनटू i f e का पावर x e का पावर x e का पावर q इनटू i f q था आपका x x इनटू i f e का पावर x x को बाहर फंक्शन रखा e x रखे इधर में डिफरेंशियल x 1 ये रहा x e का पावर x माइनस माइनस रहेगा 1 इसका ये ऑल दैट आंसर आपका हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इतना गाना बजा रहा है सब कोई क्या करो है 2015 असम का ही ए बाप ये x dy by dx plus y minus x 1 plus 15 x dy by dx equal to y minus x 10 y by x यहां भी तो भैया देखोगे आप dy by dx एक है और y सिंगल है एक dy by dx सिंगल y सिंगल तो लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है तो उस फॉर्म में तो पहले लाते हैं लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है फिर बोलूं dy by dx plus py equal to q dy dx अकेले होना चाहिए फिर ये q वाला पार्ट x वाला पार्ट उस पार्ट एंड y इधर चलो भाई इधर इधर पहुंचा दो इसको x dy by dx plus y equal to my अरे तो y by x भी है लीनियर भी नहीं हुआ है लीनियर नहीं हुआ जी ये लीनियर नहीं हुआ y by x ये y by x वाला प्रॉब्लम वाला पार्ट है ये y by x को ही हम भी पकड़ूंगा ये कॉम्प्लिकेटेड है यहां y रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं था मिस्टेक भी तो नहीं है x dy dx का तो y इक्वल टू बात तो एक ही आ जाता है vx चलने दो vx तो dy by dx देखा जाएगा बनेगा बनेगा नहीं बनेगा फिर बनाएंगे और क्या है dy by dx इक्वल टू v रखे प्लस x dv by dx चलिए देखा जाए क्या क्या होता है यही ठीक है नो डाउट अब dy by dx निकालो पहले इक्वल टू y माइनस x tan y by x by x dy by dx हमने निकाला ये तो tan y by x आ जाता है यहां पर tan y by x को अगर हमने भी पुट किया है तो dy by dx का मतलब आया v plus x dv by dx equal to y माने vx minus x तो x ही tan y माने vx by x by x जो ग्रुप नहीं टूटेगा ना उसी को एक मान लेंगे ये है टेक्निक यहाँ v प्लस बढ़ते रहो बने नहीं बने नो टेंशन पेज खराब होगा आपका मेरा तो बोर्ड भी खराब नहीं होगा क्या टेंशन है x v माइनस tan x कटा v अब बेटा नीचे वाला x चलो खाना खाने
x dv by dx equal to v minus tan v. ओ चल चल गया यहाँ x dv by dx वो दोनों भी दोस्ती आउट. चलो इसको भी भागने का दिल है, भागने दो. tan v बचा और अकेले अकेले आ गए. अब तो मस्ती कर ले, tan v इंटीग्रेशन कर दे dx by x. और क्या करना है, इंटीग्रेशन कर dv 1 by tan v. क्यों लिखू भाई, cot v क्यों नहीं लिखू, cot v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx by x. और क्या चाहिए, cot v का इंटीग्रेशन log sin v इक्वल टू log x प्लस log log दो पार्टनर log तो तीसरा भी ना log का क्यों, सब मिलजुल के रहना चाहिए. log sin v इक्वल टू log cx. अब भाई log हटा दो, इसका काम खत्म हो गया. आपने मिला दिया सबको, अच्छा किया. इक्वल टू log तो नहीं है cx, बचा क्या v तो खुद लिए थे, v लिए थे हम लोग y by x का हुआ sin y by x इक्वल टू cx आंसर. इस तरह से मेनली तीन पार्ट ही है, लीनियर होमोजेनियस एंड वेरिएबल सेपरेशन. लेकिन उसमें भी कहीं कहीं छोटा छोटा टेक्निक का भी जरूरत पड़ जाता है. जैसे कि इसी में पड़ा, अचानक देखने से वो न्यूमिनेटर का पावर, डिनोमिनेटर का पावर, इस जस्टिफिकेशन में समझने में दिक्कत हो सकता है या होता भी है. तो इसको मिटाऊ, अगला क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, नया नया बात बताते रहता हूँ. यहाँ नया बात का मतलब था होमोजेनियस दिखने में नहीं लगता है, तो वाई बाई एक्स एक ग्रुप है, वाई बाई एक्स को ही भी पुट करे. क्वेश्चन कितना नंबर दिया हो, हमारा सबसे बड़ी गलती तो यही है जब क्वेश्चन भूल जाता हूँ क्या क्या मैंने 2015 अभी फिर से लिख रहा हूँ, कागज पे लिख के रखा हूँ. इस साइड देख लो भैया, 15 ये भी सब सॉल्व है इक्वेशन, नो डाउट. एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू टेन इनवर्स x. ए भाई एक बात सुन, मैं यहाँ पूजा का दिन इधर क्लास कर रहा हूँ, हो सके आप लोग भी देख रहे हो, लेकिन बाकी सब तो मजे कर रहे हैं माइक में. जल्दी जल्दी आधा घंटा करके भैया जो देख रहा है देख लेना, नहीं तो पूजा के बाद ही देख लेना, मैं भी चला जाता हूँ भाषण करने. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सरस्वती पूजा. मुझे भी विश कर देना कॉमेंट करके. ठीक हो, ओके. ये भी लीनियर इक्वेशन आया भैया, डी वाई बाई डी एक्स एक वाई सिंगल वाई डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर. माइक बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है, पागल सब है, दिमाग खराब करेगा ये लोग. अच्छा चलिए, लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है. भैया पी कितना है, वो डी वाई डी एक्स तो मिला, पी कितना है, वाई बाई वाई का कोफिशिएंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओहो पी है, पी है. क्यू इक्वल टू सीधे सीधी टेन इनवर्स एक्स लास्ट वाला टर्म एक्स स्क्वायर. बसरते ध्यान रखना राइट हैंड साइड में सिर्फ एक्स होना चाहिए, वाई नहीं. वाई होने से बर्नौली जी क्वेश्चन होता है, एन ओ यू एल आई इंग्लिश में गलती हो जाने से माफ कर देना. बर्नौली किसने माँ बाप क्या नाम रखा था बर्नौली, हम लोग तो जानते हैं बर्नौली नाम होता है. तुम्हारे क्लास में भी है एक लड़की बर्नौली. पी निकल गया, क्यू निकल गया, हमको काम है अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एस. भैया ई का पावर पी तो निकाले चुके हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एस. और साइज सभी जानते हैं ये पी टेन इनवर्स एक्स है, लॉग नहीं है, बेचारा ऐसे ही रह गया. ई का पावर लॉग एक्स आता तो कुछ काम भी था, हटा देते. टेन इनवर्स एक्स आ गया, टेन इनवर्स एक्स से ही सब काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने का बात नहीं है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए, ओके. सॉल्यूशन लिखो, y इनटू आई एफ, ये फॉर्मूला भैया बार बार लिखना, मैंने
बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम स्टूडेंट को आता है फॉर्मूला भूल जाता है नर्वसनेस रिव्यू में हमारे ड्यूरिंग एग्जाम। आप मेरा सर से जितना सम करेंगे सब में ये लाइन लिख देना, बहादुरी मत दिखाना, डायरेक्ट किया सर। कुछ स्टूडेंट का बात है सर डायरेक्ट किया, हाँ भाई डायरेक्ट किया, डायरेक्ट ही चले जाना एक के बाद ऊपर में, वाई करो डायरेक्ट जाना, ट्रेन वगैरह से मत जाना। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू आई एम डी एक्स प्लस सी, चलो दे दो सी। वाई आई एफ निकला है आपका ई का पावर टेन इनवर्स एच, दिखने में थोड़ा बड़ा करने में बड़ा नहीं, टेन इनवर्स एक्स क्यू का वेल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू का वेल्यू आई एफ ई का पावर टेन इनवर्स एक्स। ऑल राइट, कहाँ गया फॉर्मूला, तो यही तो लिखे प्लस सी। अच्छा इसका तो कुछ काम ही नहीं करना है भैया, ई का पावर टेन इधर तो इंटीग्रेशन भी नहीं है, डिफरेंशिएशन भी नहीं है। ठीक, यहाँ सब्स्टिट्यूशन का 100% श्योर यूज है, टेन इनवर्स एक्स को ही पकड़ू क्या, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या ई का पावर टेन इनवर्स एक्स को, ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो ई का पावर टेन इनवर्स एक्स, ई का पावर टेन इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी टी। ठीक, इक्वल टू ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, यहां है ई का पावर टेन इनवर्स एक्स, इसको खाली रखना है टेन इनवर्स एक्स, ये रहा ई का पावर टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स भूल गया था। अल्टीमेट ई का पावर टेन इनवर्स एक्स माने टी, ये फुल फॉर्म इज डी टी, कहने का मतलब आंसर है वाई इक्वल टू ई का पावर टेन इनवर्स टी, पकड़े हैं तो इधर ही पकड़ दो वाई इक्वल पावर टी, वाई ई का पावर टी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, वाई ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हाफ ई का पावर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। टी किसको पकड़े थे, गलती हो गई, टी तो पकड़ा इसी को पकड़े थे, टी माने ई का पावर टेन इनवर्स एक्स, टी का होता है इनवर्स एक्स, ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, ये था लीनियर इक्वेशन का। इतना आवाज आ रहा है माइक का, माइक्रोफोन लगाया हूँ, खिड़की दरवाजा बंद है, फिर भी इतना हल्ला होता, करूँ तो क्या करूँ, एग्जाम भी तो बेचारा पीछे हटने वाला है नहीं, हम लोग को तो पढ़ना ही है, करे क्या, ये कॉपी भी छोड़ो, हमने किया अभी ये 14 कर रहा हूँ 2014, सब प्रूफ देर श्योर में सब क्या लिखू नहीं लिखू आप खुद जानते हो, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करूँ। इक्वल टू टू ई का पावर माइनस वाई माइनस वन दिया है, गिवेन दैट वाई इक्वल टू वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा बात, मैं तो बोर्ड में लिखूंगा, कॉपी में नोट करता हूँ, एप से क्वेश्चन वगैरह मैनेज करता हूँ, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन कलेक्शन करता हूँ, फोटो भेज के स्टूडेंट लोग आप लोग भेजते हैं, तो उतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होता है, मैं टेक्निक सीख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े, आंसर करना पड़े, थोड़ा टाइम लगेगा फिलहाल। हाँ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हेंस फाइंड द पार्टिकुलर, इतना बड़ा चीज लिख रहता है, मैं बाबू सीधा सीधी समझाता हूँ, सॉल्व दिस इक्वेशन अंडर द कंडीशन व्हेन वाई इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात करता है। सबसे पहले सॉल्व द इक्वेशन, पहले भैया पढ़ दो, सॉल्व द इक्वेशन करने के लिए भाई गाड़ी शुरू करोगे कहां से, कौन सा बटन दबाऊंगे स्टार्ट होगा, डी वाई बाई डी एक्स है, एक वाई है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा एक वाई दिखाई पड़ता है क्या, वाई तो अलग होना चाहिए, ई का पावर माइनस वाई है, अदरवाइज मुझे लग रहा है सेपरेट ही है, देखियो डी वाई
y वाला पार्ट भी आ जाता है 2e का पावर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू ये इधर निकाल दिया डी एक्स ऊपर भेज दो डी एक्स बाई एक्स प्लस वन ठीक ये देख के तो जरूर डर लगेगा इंटीग्रेशन भी साइन दे देता डी वाई ई है भैया ई टू बाई ई का पावर वाई माइनस वन आई बेचारा ठीक है ये हल्ला नहीं कर रहा है एक्स प्लस वन बोला हमको जब मर्जी उत्तर लिख देना चलेगा उसको संभालो उसको संभाल रहे हैं टू माइनस ई का पावर वाई और ई का पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई हड़बड़ा रहा है बोलता हमको जल्दी लिखो लिख दिए यहाँ वाला पार्ट इसको भी लॉग में ही लिखूंगा सी वन दे देता हूँ अभी सी वन ये वाला पार्ट भैया इसमें मत करना एग्जामिनर को कंफ्यूजन होता है इसमें मत करना एक्सरसाइज का लास्ट में या जहां पेज मिलता है आपको मालूम होगा वहां करना मत कहने का मतलब मेन पेज को गंदा मत करना तो ये इंटीग्रेशन टू माइनस ई का पावर वाई इक्वल टू टी माइनस ई का पावर वाई डी वाई बाई कौन सी डी एक्स इक्वल टू डी एक्स माइनस ई का डी वाई इक्वल टू डी टी सिंपल बात तू भी क्यों नहीं पकड़ लू मेरे ख्याल से हाँ तू को तो लिया ही हूं ये पूरा टी ऊपर में ई वाई डी वाई माइनस डी टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग सी ये हो गया माइनस लॉग टी इक्वल टू लॉग सी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन टी पकड़ा था हमने माइनस लॉग टी का वेल्यू टू माइनस ई का पावर ई का पावर वाई वाई ऐसे क्या ई का पावर वाई इक्वल टू लॉग सी एक्स प्लस वन भैया अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ लॉग लॉग नहीं हटा सकते हो आप ये माइनस को हटाना ही पड़ेगा एक काम करते हैं डिसिप्लिन एक बार लिख देता हूँ लॉग वन बाई टू माइनस ई का पावर वाई इक्वल टू लॉग सी एक्स प्लस वन फायदा क्या होता है कि लॉग लॉग हट जाएगा टू माइनस ई का पावर वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस वन और भी अच्छा से लिखना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सी एक्स प्लस वन y माइनस ई का पावर y इक्वल टू वन अगर आप इधर सी रखते हैं तो उधर वन होता थोड़ा थोड़ा वेरी करता है ये आपका आंसर है 2014 का ईयर वाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सिर्फ ऐसा मत करना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसके बहाने ना वेरियस टाइप का प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाता है फॉर्मूला सब रिविजन हो जाता है और कोई मकसद नहीं है तो ये मिटा दू तीन बात फिर बोलता हूं वेरिएबल सेपरेशन होमोजीनियस एंड लीनियर और तीन ही चीज अगर हमें समझ में ना आया हम अगर नहीं संभाल सके तो फिर सोच लो हम क्या स्टूडेंट है इतना ध्यान में रखना 2014 से चलिए 2013 में चलते हैं क्वेश्चन दिया सॉल्व बार बार क्यों लिखूं भैया कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स भैया बुक तो मार्केट में बहुत है यूट्यूब जहां बोलो पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए कहीं कोई कमी नहीं है सब बताने के लिए तैयार है मैं भी वही कर रहा हूँ स्पेशली इसीलिए क्योंकि मुझसे बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़े यूट्यूबर है लाखों करोड़ों की कमाते हैं मैं तो फूटी कोरी भी नहीं रिचार्ज के पैसा खुद से भरता हूँ वो भी बड़ी कठिन से मतलब कुछ नहीं वो सब अलग बात छोड़िए ये रिवीजन करते वक्त अगर मेरा रिवीजन आपको इजी लगे कम टाइम में अगर आप इजी लगे तो करना मकसद ये है मेरा पैसा वैसा वगैरह तो मजाक किया मैंने बुक से रिवीजन करना चाहिए ऑलराइट
बुक से पढ़ाई करना चाहिए, रिविजन भी करना चाहिए, नो डाउट है, लेकिन ये वीडियो वाला सिस्टम जो सिस्टम हुआ है, ये आप आधा घंटा मेरे साथ देखो, आपको कुछ समझ में हो सकता है नहीं आए, और एक बार आधा घंटा देखो, कहीं भी आधा घंटा 20 मिनट का तो वीडियो ही बनाता हूँ, कहीं भी बैठे बैठे, अरे 5 मिनट ही देखो, 5 मिनट देख के वापिस उसको और अंदर अगर जानने का दिल है तो बुक में घुसना, जिंदगी एकदम मस्ती से गुजरेगी। पढ़ाई जैसा धर्म और कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखना। चलो शुरू करें, लेक्चर मार दिया, सॉरी। ये लीनियर वाला है, फिर से एक dy/dx दूसरा y एक tan x, और अभी बहुत बार कर चुके हैं तो और बेसी नाटक नहीं, तो ज्यादा ही पकड़ पकड़ कर रहा हूँ क्या मैं, बोलना उधर से मोबाइल में बोल दे, अरे सर थोड़ा धीरे बोलिए, कम बोलिए, बेकार पिकेट पिकेट करता है क्या मास्टर है। फिर dy/dx प्लस ये हो गया आपका sec स्क्वायर वाई, ओके sec स्क्वायर एक्स, ये वाई इक्वल टू, इसको क्या कर रहा हूँ, इसको भी का है झंझट करते हैं, sec स्क्वायर एक्स के एक्स ही लिख देते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री अपना घर का माल है, जब मर्जी बदल देंगे, कोई बाहर से तो नहीं आया है, अरे पॉकेट में ट्रिग्नोमेट्री रहता है। चलिए तो यहाँ पी सब निकाल लो भाई, पी इधर लिख देता हूँ, पी इधर सॉल्व कर दूंगा, पी है वाई का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में जो भी बोलो भैया, वाई का बगल वाला अभी कोई बात बोलो ना, सर गलत बोलता है, वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट कैसा होता है, थ्री का कोफिशिएंट, वो सब ले भाई, वाई का बगल वाला y इक्वल टू sec स्क्वायर x और q इक्वल टू sec स्क्वायर x tan x, यहां तक तो पहुंचे हैं, dy linear फॉर्म में हम लोग पहुंचे हैं। नेक्स्ट टारगेट है if निकालना, e का पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन p है आपका sec स्क्वायर x dx इक्वल टू ई का पावर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन log x, ई और log चला गया, खाना खाने बच गया x, बस अब सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन माने गाड़ी स्टार्ट करो और घर चलो, सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ, क्यों नहीं q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस c, y इंटू आई एफ भैया x इक्वल टू q का मतलब कहा निकला हो, x कैसे निकला हो, x sec स्क्वायर x tan x इतना बड़ा कैसे होगा हो, ये tan के नीचे तो दिए थे cos स्क्वायर x वैसे y by cos स्क्वायर x, p p का भेद हो गया 1 by cos स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x, ठीक है tan x ये cos स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x tan x, इधर आ गया आई एफ इंटीग्रल sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, देखते हैं गलती किसको बोलता है भैया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो y इंटीग्रेट वेक्टर tan x इक्वल टू q, q वाला q tan x by, ऐसे लिख देता हूँ tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू p, देखो फिर एक tan x प्लस सीधे में से दीजिए भाई, y tan x इक्वल टू यहाँ है भैया आपका tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, अब tan x को t पकड़ो ये आ जाएगा फाइनली y tan x इक्वल टू tan क्यूब x प्लस c, और भी अच्छा करना है y इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस c इंटू cot x, किताब में होता क्या असली में जितना भी आंसर रहता ना वो मैक्सिमम आंसर इन टर्म्स ऑफ y रहता है, लेकिन हमको ये जरूरत नहीं है हमारे मैंने मेरी समझ से आंसर के बुक तक पहुंचाना, इंटीग्रेशन में भी बहुत बार कर चुका हूं, आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट प्लीज जरूर देखिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक है,
नहीं देख पाइएगा उतना बड़ा, तो एग्जाम के टाइम में पॉसिबल नहीं है। जो आपका पसंद लाए कुछ टॉपिक हो तब कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं इस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ फरवरी महीना तक, एक महीना तक यही करूंगा। बीच में बीमार पड़ गया था, कंटिन्यू नहीं कर पाया, प्लीज बुरा मत मानना, सॉरी आई एम। ये कितना नंबर किए हम लोग, 10 वाला था, 2013 कर लिया। अब दो तीन बाकी है भाई, अब भागना भागना नहीं, पूरा देख के जाना, पूरा वीडियो खत्म होने के बाद मेज के द्वारा रसगुल्ला भेजा जाएगा। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन, सॉरी 2013 13 कर लिए, 13 1 - e^2x dy प्लस 1 + y² e^x dx कॉमा गिवेन दैट y = 1 व्हेन x = 0। 13 भी लिख लिया हम लोग। ये एक ही बात कितना बार बोलूं, नहीं कुछ समझ में आया, dy/dx लिखते हैं क्या, और बाकी रहा पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, अच्छी बात शुरू तो कर दू। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मजाक मत लेना कि मैं वीक हूं मैथ में, तुरंत मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हम dy/dx लिखेंगे। और इक्वल वाला कहा गया भाई, y = di = 0 दिए ही नहीं। अगर मैं = 0 नहीं दूंगा तो एकदम एग्जामिनर 0 बैठा देगा, इसे तो मैं ही दे दू। तो 1 - e^2x (dy) - 1 + y² (e^x) (dx) dy/dx = 1 + y² (e^x) (1 - e^2x) इतना तक तो आया dy/dx। अब अपना खोपड़ी का काम चलाइए, का चलाइए भैया, का चलाइए। 1 - क्या बात है, 1 - यहाँ y है, यहाँ dy/dx है, y है, ये e^x इन टू में है तो एक काम करे, 1 + y² इधर ही रहने देते हैं, हाँ नीचे में 1 - e^2x दे देते हैं, और ये e^-x दे देते हैं, चलेगा क्या, चलना तो चाहिए, नेगेटिव पावर है तो ऊपर जाएगा। वो हम तो खुद ही गलत किए ना, फिर क्यों इतना टेंशन ले रहा है, गाना वगैरह बजा के ना दीदी का दिक्कत कर देता है माथा का। dy के साथ में सिर्फ y ना डालेंगे हो, 1 - y² (1 + y² = - किधर देना है, इधर ही देते हैं, ये x के साथ e^(x) dx, और ये बेटा भी आओ 1 - e^(2x), ठीक, तो कोई झगड़ा नहीं होगा, तो मेरा सामान तुम ले लिया, तुम्हारा सामान हमने लिया, dy को मैंने सिर्फ y दिया, चल बेटा आ जा, हाँ माइनस चलो बैठो, e^(x) dx बैठा दिया, तुम इधर शिफ्ट हो जाओ, शिफ्टिंग कर दिया, ट्रेन में दिल्ली जाना है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन इसी में साइन दे दू। अब नहीं लिखता हूं का मतलब 1 + y² (tan−y) का चलने तरह क्या बात, ये 1 - e^(x)² है जी, 2x है तो, और ये e^(x) है, dx है, ये 1 + 1 + y² बिना कुछ सोचे नहीं समझ के, और क्या tan−y, इसका इंटरेस्ट tan−y माइनस रहा बात, ये बात भी मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह का कारण रहता है e^(x) = 2t, तो
e टू पर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। फायदा क्या देखिए, ये तो हो गया डी टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स y इक्वल टू माइनस। ये रूल है कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाय टू ए लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, वन बाय टू ए, ए माने वन, लॉग ए प्लस एक्स, वन प्लस टी, ए माइनस एक्स, वन माइनस टी प्लस सी। टी किसको लिए थे, यहां लिखा हुआ है ना, हाँ टी, हाँ ई का पावर एक्स लिए थे, वाई तो है ही नहीं, टेन इनवर्स वाई माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस टी का वैल्यू ई का पावर एक्स, टी का वैल्यू वन माइनस ई का पावर एक्स प्लस सी। अगर पसंद हो तो ये माइनस नहीं रखोगे, मत रखो, मत रखो का मतलब प्लस कर दो, वन बाई टू लॉग वन माइनस ई का पावर एक्स, वन प्लस ई का पावर एक्स, इसको रेसिप्रोकल क्या, पावर नेगेटिव आया बगल में आया। और भी डेकोरेशन करना है क्या, सरस्वती पूजा है कर देते हैं, वन बाई टू लॉग, ओ टू का लिखूंगा, टू नहीं लिखूंगा, तो स्टाइल मानना है तो लॉग वन माइनस ई का पावर एक्स, वन प्लस ई का पावर एक्स प्लस सी। खैर ये सब कोई बात नहीं है, मजाक में क्या, आंसर आपका करेक्ट होने से हुआ इसे।